लगी हुई है। आप बोलो तो सही, कल जो स्टाफ लगेगी उसका किराया नहीं है। एक मिनट, बेटे के मालिक मुन्ना लाल जी और उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी जी की तरफ से ये अनाउंस किया जा रहा है कि कल जो स्टाफ का किराया है वो नहीं लगेगा, वो हमारी तरफ से फ्री रहेगी और आपका शाम 4 बजे तक यह मेला लगा सकते हैं। नमस्कार, हम खड़े हैं महिला उद्योग मेला नागौर के अंदर, खाई की गली के अंदर। स्वर्णकार समाज की तरफ से पहली बार इस मेले का आयोजन किया गया है और यहाँ पर महिलाओं का ही सारा संचालन है। हर तरह की दुकानें यहाँ पे देख सकते हैं आप, जहाँ पर खाने पीने की, खटाई की गर्मी के हिसाब से, और कपड़ों की और कॉस्मेटिक्स की दुकान भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हमारे आज स्वर्णकार समाज की महिला अध्यक्ष श्रीमती जी, आपका नाम इंदुबाला सोनी। इंदुबाला जी, सोच पूछेंगे कि आपका आयोजन किस प्रकार आपने रखा, इस आयोजन को क्या सोच के रखा? महिला सशक्तिकरण को लेकर इस महिला उद्योग मेले को रखने का हमारा मकसद था कि महिलाएं घर से बाहर आए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और महिला अपना खुद अपने पैरों पर खड़े होकर और कुछ कर सके, इस कारण से हमने इस महिला उद्योग मेले का आयोजन किया। इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण भी है और आज समय की जरूरत भी है। मैं तो ये भी समझता हूँ कि आज घर खर्च और बाहर के खर्चे भी इतने बढ़ गए हैं कि आपको महिला और पुरुष दोनों को लगना पड़ता है। क्या कहेंगे आप इसके अंदर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और हम भी इससे सहमत हैं कि आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है कि केवल एक पुरुष के कमाने से घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से महिलाएं आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बने, सशक्त बने, इस कारण से हमने ये एक छोटा महिला उद्योग मेले का आयोजन किया है। आगे जब अंतर हम और करेंगे तो इससे भी बड़ा करने का हमारा विचार है। मैं इस जगह आपको थोड़ा सा टोकूंगा, आप खाली महंगाई को बता रहे हैं, मैं महंगाई का नहीं बता रहा, महंगाई के साथ में खर्चे भी इतने बढ़ गए हैं। खर्चे तो बढ़े हैं, आप सुबह से शाम तक देखो, जो आज 30 साल पहले कोई खर्चे नहीं थे वो अनावश्यक खर्चे भी बढ़े, तो उसकी भी जरूरत आपको रही है। हाँ, तो यही कह रहा हूँ, खाली महंगाई को आप दोष देते हो इससे में, हाँ केवल महंगाई नहीं है। आज एक छोटी सी चीज़ है, मोबाइल है। पहले मोहल्ले के अंदर एक होता था या शहर के अंदर एक दो जगह होता था, आज घर के अंदर एक आदमी के पास दो मोबाइल मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे, आपकी मेहनत को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इसी शुरुआत की है नागौर के अंदर और हर बार ये करते रहेंगे और महिलाओं को और शहर को इस प्रकार प्रगति में विकास करके आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद आभार। यहाँ सबसे पहले महिला उद्योग मेले के अंदर सबसे पहले एकदम से बच्चों के और महिलाओं के सबसे फेवरेट आइटम पानीपुरी की शॉप लगी हुई है और इनसे मिलेंगे हम, आपका नाम बताएंगे। दीपिका सोनी। दीपिका सोनी, आपके वैसे भी खान पान का शौक है घर में भी बनाने का और बाहर भी एक शॉप लगा रखी है आपने, तो यहाँ पर कैसा रहा आपका आयोजन? ये बहुत अच्छा रहा, यहाँ पे अच्छा रेस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा रहा। मेरे को तो इस चीज़ की खुशी है कि आप 12-12 घंटे काम करके इस कार्यक्रम को आप अंजाम दे रही है, इस मेले को सक्सेस के अंदर आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह हम साड़ी कुर्ती की दुकान पे खड़े हैं जहाँ पर हमारी एक बहन बेबी ड्रेस लगा रखा है, आप अपना परिचय बताएंगे, नाम बताएंगे आप अपना। हेलो, हाँ जी, राखी कुमावत, कुर्ती पैंट है, दुपट्टा सेट बेच रही हूँ। मैं विजयनगर से हूँ और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब सर्वेंट हूँ, WSSN अकाउंट ऑफिसर हूँ। यहाँ एक एग्जीबिशन लगी हुई है जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ, पैंट सेट, दुपट्टा सेट सब मिल रहे हैं, आप भी पता नहीं है आपको माना नहीं। कैसा रहा 3 दिन के अंदर, कैसा आयोजन रहा आपका? बहुत अच्छा रहा आयोजन, हम आशा करेंगे कि अगली बार जब भी ये लगाए तो हमें ऑफर याद करें। विजयनगर यही अजमेर जिले के अंदर है वही? हाँ, अभी दीक्षा प्रोग्राम था जहाँ पे। हाँ, वही वही दीक्षा वाला जगह। धन्यवाद। यहाँ पर एक विशेष आइटम है, आप देखेंगे खाने के आइटम के साथ के अंदर फिनाइल का आइटम है, आप अपना नाम बताएंगे।
कैसा रहा 3 दिन के अंदर आपका, ये कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकी है आपकी? ये दोनों घर की बनाई हुई है, बहुत बढ़िया। कल और चालू है आपके? हाँ कल भी चालू है, बहुत बहुत धन्यवाद। महिला उद्योग मेले के अंदर ज़्यादातर महिलाओं के और बालिकाओं के काम किया है, वस्त्र व खाने पीने के आइटम है। यहाँ पर एक दुकान के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। हम आपसे बात करेंगे कि आप कैसे बता रहे हैं, कैसा रहा बदला और ये कैसा नाम है? हम खड़े हैं कि जगह खाकरा मुगड़ी व नाश्ते के आइटम के अंदर, नवकार फूड उद्योग, नवकार फूड उद्योग जो नागौर के ही है। आप हम उनसे बात करेंगे, आपका नाम बताएंगे। अमृता ललवानी है, मैं सारा आइटम फूड आइटम है मेरे और सारा घर पे बनाते। कैसा रहा 3 दिन के अंदर आपका सेलिंग? अच्छा था। और घर पे भी मम्मी वगैरह सहयोग करते, कैसा चलता है आपका ये? कोई आइटम नहीं, बहुत बड़ी बात है। आज के समय के अंदर जो गैस, एसिडिटी और पाचन की शक्ति बिगड़ती है वो इसी कारण से बिगड़ती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। नमस्कार, यहाँ पर बेग के अंदर खड़े हैं जहाँ पर बेग बिक रहे हैं। आपका नाम बताएंगे? सुशीला। सुशीला जी, कैसा रहा बेग वगैरह? खाली बेग ही आइटम है आपके पास? बहुत बढ़िया। अच्छा, मसाले वो कहाँ लगा रहा है? क्या स्टॉल सामने वाले में? बहुत बढ़िया, धन्यवाद।